वेलकम टू स्टाइलिंग लाइफ विद गरिमा, जहां मैं शेयर करती हूं मेकअप और फैशन रिलेटेड वीडियोस को। अगर आप भी मेरी तरीके मेकअप और फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए एकदम सही डेस्टिनेशन है। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में वो जो बेल बटन दिख रही है उसको हिट कर दीजिए, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ वो आप देखना ना भूलें। नीचे जो इंस्टाग्राम का हैंडल चल रहा है इसको भी जाकर आप फॉलो कर सकती हैं। इसमें मैं अपने पर्सनल लाइफ रिलेटेड अपडेट्स एंड बहुत सारी इस तरीके की अच्छी अच्छी फोटोज एंड पिक्चर्स शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप की इस जर्नी को। तो सबसे पहले अपने फेस को प्राइम कर रही हूँ। CVB का प्राइमर है ये, अपने हाथ पे ये ले लिया थोड़ा सा और अपने चेहरे पे डॉट 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 बना करके अच्छे से चेहरे को इससे प्राइम कर रही हूँ, ताकि आगे का मेकअप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगे। अब मैं ये NYB का कंसीलर ले रही हूँ, जिससे अपने ये आईज़ को कंसील करूँगी। ये स्टिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजिली ग्लाइड ऑन हो जाता है और स्प्रेड भी इसका काफ़ी अच्छा है। अभी इस एप्लीकेटर की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर ले रही हूँ एंड दिस इज़ डन। अभी ये वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लैक कलर का आई शेडो है और मैं इसको इससे अपने ना आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आईब्रोज़ को इस छोटू से ब्रश से फिल कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से आईब्रोज़ को फिल करिएगा। हल्के हल्के हाथों से लगाया करिए, ज़्यादा प्रोडक्ट मत पिक किया करिए, अदरवाइज़ वो बहुत ही गॉडी लगेगा। एंड अभी ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है और ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ का नीचे वाला जो एरिया है इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो हम लोगों ने ब्रोज शेप की हैं वो बहुत ही खिल करके आए और अच्छे से लगे देखने में। अभी नेक्स्ट मैं ये फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ, मेरा शेड 220 है और इसको मैं अपने हाथ में निकालूंगी। मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन है ये एंड अब ये ब्लू ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, इसकी हेल्प से अपने चेहरे पे इवनली डॉट डॉट करके पहले मैं स्प्रेड कर लूँगी एंड देन उसको डैब डैब करके सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से आराम से तसल्ली से लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। अब मैं ये हुडा ब्यूटी की न्यूड पैलेट ले रही हूँ और ब्रश की हेल्प से ये वाला जो शेड है इसको मैं पिक करूँगी और अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊँगी। बस अपनी क्रीज लाइन पे हल्का सा, बहुत ही ओवरडन नहीं करना है, सिंपल मेकअप है ये। क्योंकि अभी सेम पैलेट से ये वाला शेड, हाँ, इसको पिक कर रही हूँ और अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना खिल के आ रहा है आँखों में, और साथ के साथ ही बहुत ही सिंपल लग रहा है। समर्स में ना गॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अभी ये आईलाइनर भी हो गया। अभी मास्टर क्रोम का मैं ये मॉल्टन रोज गोल्ड शेड हाइलाइटर, जो कि मेरा फेवरेट है, उसको लगाऊंगी अपने फेस पे, अपने नोज़ पे। नोज़ को अच्छे से इसको हाइलाइट करूंगी, ताकि नोज़ जो है देखिए पॉइंटेड लग रही है। अभी मैं आईब्रोज़ के नीचे का जो एरिया है उसको भी हाइलाइट करूंगी, ताकि कोई दूर से आपको देखे तो आपका चेहरा एकदम शाइन मारे और बहुत ही ग्लोई लगे। अब इसी ब्रश से मैं अपने चीक बोन्स पे भी लगा रही हूँ और इस तरीके से अच्छे से चीक बोन्स पे भी लगा लीजिए। हाइलाइटर से आपका चेहरा जो है बहुत ही ग्लोई लगने लगता है, आईब्रोज़ के ऊपर भी अच्छे से, और नेक्स्ट अपने लिप्स के ऊपर भी। तो ऐसा अभी मैं चिन पे भी लगाने वाली हूँ, ये चिन पे, और अभी फाइनली मैं फोरहेड पे लगाऊंगी। बेसिकली पूरे चेहरे पे हाइलाइटर लगाया है, ताकि चेहरा जो एकदम शाइन मारे, ग्लोई लगे। अभी मैं ये आइकॉनिक का मस्कारा लगा लिया है मैंने। अभी इसी पैलेट से ये जो पिंक कलर का शेड है, मैं इसको एज ए ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये शेड काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसी से अपना फेस ब्लश ऑन कर लिया है, क्योंकि बहुत ओवरडन नहीं करना है। और अब ये लिपस्टिक रेड कलर की, जो कि मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट लिपस्टिक है, इससे मैं अच्छे तरीके से अपने लिप्स पे लगा रही हूँ। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। लिपस्टिक इज़ ऑलमोस्ट डन एंड ये लग गई एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।